इमेजिनेशन आपके नए सॉन्ग में नजर ना लग जाए, और यूनाइटेड यहाँ पर आए, कैसा लग रहा है ये यहाँ का रेस्टोरेंट, वो बताइए। ये रेस्टोरेंट बहुत अच्छा है और बहुत अच्छी वाइब्स आ रही है। मैंने अभी फूड भी टेस्ट किया है, बहुत अच्छा लगा मुझे और बहुत ही लजीज है। तो मैं चाहता हूँ आप लोग भी आए, देखिए ये रेस्टोरेंट को आके और इधर का फूड टेस्ट कीजिए। नजर ना लग जाए गाना बहुत ही अच्छा है, और आपने इतनी कम उम्र में देश के लोगों को मैसेज दे रहे से नो टू ड्रग्स, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि ये जो कंटेंट था एक अच्छा मॉरल मैसेज के साथ आया, तो हमारा नेक्स्ट कंटेंट भी इंशाल्लाह मॉरल मैसेज के साथ आएगा। और आप लोग का प्यार जो हमें कमेंट में दिखा है, हम एक्सपेक्ट करेंगे कि हमें और भी ऐसा ही कुछ कमेंट देखने मिले नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जैसे कि अगर हम बात करते हैं सॉन्ग की, तो बिग बॉस ही आ रहा है, तो बिग बॉस में सलमान खान से तो आपको बहुत बड़े फैन है। हाँ, सलमान खान के घर आप जाएंगे कि नहीं बिग बॉस में? अगर इंशाल्लाह अगर सलमान भाई बुलाएंगे तो जरूर जाएंगे। ऐसी क्या खूबी बिग बॉस में आपको पसंद आती है? वो तो अंदर जाने के बाद ही मालूम पड़ेगी। जैसे कि हम सॉन्ग तो बहुत कर लिया आपने, मतलब लागू पार्ट हम देख रहे हैं, सॉन्ग करते जा रहे हैं, तो फिल्मों में आना क्या, किसके साथ आपको काम करना चाहिए? संजय लीला भंसाली, रोहित शेट्टी, किसके साथ काम करना चाहिए? मैं तो हर किसी के साथ काम करना चाहूँगा, बुलाइए तो सही। और किस तरह का स्क्रिप्ट काम करना चाहिए, थोड़ा सा बताइए। क्या किस तरह का स्क्रिप्ट करना चाहिए, क्या जिस तरह से आपने मैसेज लाया है फिल्म के द्वारा? मेरा कंटेंट ज़्यादा करके मॉरल मैसेज के साथ ही होगा, तो इंशाल्लाह अगर मेरी पहली फिल्म भी होगी तो मॉरल मैसेज के साथ ही होगी। लुक भी काफ़ी आपका चेंज होते जा रहा है, तो कुछ आप अपने मतलब फिटनेस में? बस मेरे फैंस लोग के सपोर्ट से, और जो मेरे जैसे फैंस बोलते हैं मैं वैसी कुछ ट्राई करने की कोशिश करता हूँ। तो अब की बार मेरे फैंस लोग के ज़्यादा करके बोले थे कि फिटनेस पे ध्यान दो, तो अभी मैं वही कर रहा हूँ। अभी बोल रहे हैं कि फिल्म में आओ, तो इंशाल्लाह वो भी करेंगे। थैंक यू सो मच फैम, नजर ना लग जाए आज नंबर 1 ट्रेंडिंग पे है 3 दिन से। थैंक यू सो मच फैन, इतना अच्छा लगा और कमेंट वगैरह भी बहुत अच्छा है, तो थैंक यू सो मच सपोर्ट करने के लिए। ओ यस, एक्चुअली 3 कंटिन्यूस पार्टीज हुई, मैं अटेंड नहीं कर पाई बिकॉज आई बीन कंटिन्यूसली शूटिंग, नाइट शिफ्ट हो रही है मेरी पटियाला बेस में, बट यस काफ़ी अच्छा लग रहा है। फाइनली मैं मीटिंग आफ्टर रियली रियली लॉन्ग टाइम, मैं जन्नत के बर्थडे पे भी नहीं आ पाई थी, कितना खुशी खुशी बता रही है ना। और उसे बताने में मुझे बहुत टाइम लगा था, बहुत जतन करने पड़े थे मुझे, तब जाके जन्नत ने मानी है। बट यस, ये मीटिंग आफ्टर लॉन्ग एंड वी गोना हैव अ ब्लास्ट। आप दोनों बहुत ही क्यूट लग रही है, बहुत ही स्वीट लग रही है साथ में। जन्नत जी कुछ कहना चाहेंगे आज नजर ना लग जाए सॉन्ग में? मैं उनको मैं तो बोल रही हूँ इसे ना नजर लग जाए। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा मैसेज है सबके लिए, और बहुत ही अच्छी तरह से शूट किया है। और क्योंकि वो लोग सच में इतने अच्छे दोस्त हैं, तो लग ही नहीं रहा कि आप कोई एक्ट कर रहा है, सब इतना जेन्युइनली खुश लग रहे हैं और इतनी अच्छी, ऑफकोर्स केमिस्ट्री तो असली होगी ही होगी, इतने साल बचपन के दोस्त हैं। लाइक्ड अबाउट द कॉन्सेप्ट इज व्हाट अबाउट आई रियली लाइक्ड अबाउट नजर ना लग जाए इस द कॉन्सेप्ट, जो उन्होंने इतने छोटे से टाइम स्पैन से थोड़े 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 छोटी छोटी स्टोरीज पोर्ट्रे कर दिया, एंड एंड में इतना पावरफुल मैसेज भी दिया, इट वाज रियली नाइस। कैसे देखते हैं मैम क्या कहना चाहूंगी? क्या वो सीधा आपको पता लग रहा है कि इतना अच्छा है कि 3 दिन से नंबर 1 लोग उसको रखा हुआ है, अभी तक ये ट्रेंड कर रहा है नंबर 1, तो आप खुद ही समझ सकते हैं लोगों को कितना अच्छा लगा। और आपने भी एक गाना शूट किया फेमी के नाम से, कुछ बताना चाहेंगे किस तरह का सॉन्ग है? नहीं प्लीज थोड़ा सा नहीं, आपने पूछा बताना चाहिए ऐसे नहीं। गाने का नाम फ्रूटी है, हम अभी अभी आर्मेनिया से शूट करके आए हैं। एक्चुअली मैं ही हूँ फ्रूटी। अच्छा, मुझे पता, देखो दिल से दिल का कनेक्शन। हाँ, तो गाना जल्दी आने वाला है, और ऑफ कोर्स आप तो आ ही जाओगे, तो आपको देखने मिलेगा। अभी पोस्टर्स वगैरह हम जल्दी रिलीज करेंगे, तो पोस्टर्स वगैरह सब आउट हो जाएंगे। आई होप बिग बॉस की बात की जा रही है, बहुत धमाल है, सेलिब्रिटी एक्सप्रेस चल रहा है। जन्नत जी, वाइल्ड कार्ड एंट्री हो सकता है, जिस तरह से आप खतरा खतरा जाती है बिग बॉस में, कुछ वाइल्ड कार्ड एंट्री जा सकती है आप, मतलब लोगों नहीं, के नहीं। साथ गेम खेलने के लिए? नहीं नहीं, मुझे गेम खेलने बहुत चोटी लगती है, तो मैं जाऊंगी नहीं। हाँ, स्पेशल अपीयरेंस और समथिंग, शॉर्ट पीरियड शॉर्ट नहीं आने लगे, मुझे डर लगता है। ऐसे कोई प्लान्स नहीं है, बट सलमान खान इज फेवरेट, सो काफी धमाकेदार दे रहा। आप कितना देखती पटियाला बेस थोड़ा होना चाहिए मैम का शो? बिजी है यार नहीं, बट मैं देख, मुझे पता रहता है इसके स्टोरी से, पता रहता है मुझे। हाँ,
और शो इतना अच्छा कर रहा है, उसके शो के मैसेजेस को लोग इतना पसंद करते हैं, क्योंकि जब भी अश्नूर को अपने फ़ैन मैसेजेस या ट्वीट्स का स्टोरी डालती है ना, आई स्वेयर मैं पूरा पढ़ती हूँ, क्योंकि या बिकॉज यू नो मैं देख नहीं पाती ऑफकोर्स रेगुलरली, लेकिन उससे मुझे पता लगता है कि शो कितना अच्छा जा रहा है. और अब शादी का सीक्वेंस हुआ, अभी अश्नूर ने गाने पर डांस किया, तो मुझे ये सब पता रहता है. बहुत अच्छा लगा, वाइब बहुत अच्छी है और सब सामने सामने दिख रहे हैं, इस बात की मुझे बहुत खुशी है. तो आई एम लाइकिंग इट एंड या इट्स रियली नाइस. या अच्छा एम्बियंस है, आई लाइक द डेकोरेशन ऑफ हियर. और आप दोनों ड्रेस बता दीजिए, अलग अलग ब्लैक लेना है थोड़ा, मैम आप बता दीजिए. So it's a normal skirt and a top, okay. A black color. And black, which is my favorite for party or party nahi bhi hai to bhi. That's it. Thank you. I'm wearing this shrug and a top and a skirt coordinated. She's wearing heels also. Yeah, thodi si heels pehni hai.